वहीं अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऋचा चड्ढा ने सेना के खिलाफ एक बयान दिया था, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मध्य प्रदेश में शिकायत हुई। गृह मंत्री ने ऋचा चड्ढा को नसीहत दी है और कहा है कि सेना का सम्मान करना सीखे, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर समझे, ये सेना है सिनेमा नहीं। ऋचा चड्ढा जी, ये सेना है सिनेमा नहीं, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा। वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को पीड़ा हुई है आपके बयान से। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, एक शब्द नहीं निकला आपकी जबान से। ये आपकी टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। जैसा खाएंगी अन्न वैसा ही तो होगा मन। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने पुलिस को, कानूनी विशेषज्ञों को राय लेने का बोला है। सेना और सिनेमा में फर्क करना समझो आप, रियल और रियल लाइफ में भी अंतर करना सीखिए।